सभी सुधी व्यूअर्स को श्रुति बुरी का करबद्ध प्रणाम। रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मिरथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग के एपिसोड 7 में आज हम आपका हृदय से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा में जाते हैं, जहां दुर्योधन प्रस्ताव को मानने की बजाय उनको कैद करने का अनुमोदन करता है, और जिससे भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध हो जाते हैं और अपना विराट स्वरूप और भविष्य में आने वाले महाभारत रण की चेतावनी देकर उसको आते हैं। जैसे ही वो सभा से बाहर निकलते हैं, उनका सामना कर्ण से होता है। आगे क्या होता है जानेंगे इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, वो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना तुरंत मिले। तो आरंभ करते हैं रश्मिरथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सप्तम सोपान। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी खाद चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वयम के कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, मुर्गी मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विष्णन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तुम माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञ अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या घटित घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शर चाप उठाए 8 प्रहर, से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह ना पाया कभी, सामने सत्य ना आया कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद बनाएंगे, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बल बुद्धिशील का परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएंगे, धर्मादिक चवर ढुराएंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएंगी, पांचाली पान खिलाएंगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई कहीं न दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके,
क्या कर्ण कृष्ण का प्रस्ताव मान लेंगे? कर्ण का क्या जवाब होगा, ये तो आपको हमारे अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखें और हमारे रश्मि रथी इस श्रृंखला को अवश्य पसंद करें, उसको लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। अब अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी प्यारे और सुधी दर्शकों को श्रुतिपुरी का नमस्कार।